गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट लेक्चर इन वन मिनट। फाइन, सो गुड एवरीवन, we will continue our lecture on integration and the topic will be a new topic, brand new topic today. आज हम लोग नया टॉपिक सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन में। बेसिकली ये सेवन फॉर्मूलाज हैं। ये क्या है, ये सेवन फॉर्मूला आपको हर इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में हेल्प करने वाले हैं। दी सम्स जो आज हम लोग सेवन सम्स करने वाले हैं, ये सेवन सम्स इंटीग्रेशन के कोई भी सम ज़्यादातर में हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, हेल्पिंग हैंड जैसे हैं। तो जो हम सेवन सम्स करने वाले हैं, सेवन सम्स नहीं है, सेवन यू कैन से वो थ्योरम बोल सकते हो, थ्योरम, सेवन थ्योरम, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस के लिए, क्योंकि एंट्रेंस में इसके ऊपर सम आने वाले हैं। अब बोर्ड में इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, ऑफकोर्स बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में भी इसके सम्स आने वाले हैं। से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका ट्वेल्थ का बोर्ड है, उसमें ये सेवन थ्योरम में से एक थ्योरम फोर मार्क्स के लिए आना ही है, कंपलसरी है। तो अगर सम आया तो बहुत अच्छी बात है, बट एक थ्योरम तो आएगा ही। इतने साल से हम लोग देख रहे हैं ये होता है कि एक थ्योरम आता है इन बोर्ड्स, और एंट्रेंस में और बोर्ड्स में दोनों में सम्स आ सकते हैं, इनके आएंगे, बट ट्वेल्थ में बोर्ड में एक फ़ायदा क्या है, इस पर थ्योरम भी आएगा एक, और वो आएगा ही, सेवन है ना, क्योंकि सात थ्योरम है, सातों में से एक तो देना पड़ेगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ट्वेल्थ का, तो मेरे टाइम में भी आया था एक थ्योरम, हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो हम अभी वो सम्स करते हैं, सेवन थ्योरम सम्स। अब पहले मैं डायरेक्ट उसका थ्योरम सॉल्व नहीं करूँगा, पहले फार्मूलाज दूंगा, मतलब ये थ्योरम का एक तरह का, मैं बोल सकता हूँ थ्योरम मत बोलो, सेवन फार्मूलाज बोल दो तुम, सेवन फार्मूलाज हम बोलेंगे, थ्योरम नहीं बोलेंगे इसको, सेवन फार्मूलाज बोलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी, एक मिनट, मेरा पेन मैं रिफिल कर दूँ, इंक उसका ख़त्म हो गया, एक मिनट में आया मैं, जस्ट एक। सो आई एम बैक। तो हम लोग सेवन थ्योरम स्टार्ट करते हैं इसके, ठीक है। एक तरह का मैं वापस बोलूँगा, ये सेवन थ्योरम नहीं है, सेवन फार्मूलाज जैसे हैं। तो मैं उनका लिस्ट दूंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 सेवन फार्मूलाज दूंगा, उनको याद तो करना है, बट जैसा कि मैंने बोला बोर्ड में उसका थ्योरम आएगा कंपलसरी फोर मार्क्स का, तो हम लोगों को उसको प्रूफ करने भी आना चाहिए, प्रूफ करने भी आना चाहिए, फाइन। अब जब आप थ्योरम देखोगे तो बोलोगे सर अगर फार्मूला याद किया तो चलेगा क्या, हाँ फार्मूला तो करना ही याद, ऑफकोर्स यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, दिस कंपलसरी, बट एज आई टोल्ड यू कंपलसरी वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सेवन विल कम इन बोर्ड्स एज अ थ्योरम, प्रूफ करने के लिए आएगा, तो वो भी करना है, ठीक है। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं सब फार्मूलाज लिख दूंगा, आई विल राइट द फार्मूलाज एंड देन आई विल प्रूफ इंडिविजुअली ईच एंड एवरी वन, फाइन। सो द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, वेन एवर यू विल फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² एंड इट्स dx, राइट, dx इक्वल टू, यू आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अगर आपने देखा 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन कभी भी निकालने कोई बोले ऐसे टाइप का, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, क्या आंसर है, 1/a tan inverse x/a + c, ये फर्स्ट फॉर्मूला है और फर्स्ट थ्योरम। सेकंड वाला क्या है, पहले फर्स्ट को समझो, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² अगर इसका इंटीग्रेशन कोई पूछता है, इफ़ एनीबडी आस्क यू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इफ इन एग्जाम यू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला 1/a tan inverse x/a + c। आप सोचोगे सर ये जो फार्मूला कैसे आया, आपने सीधा बोल दिया इसको याद करना है कि, हाँ याद तो करना है, क्यों,
क्योंकि सम आएगा ना एग्ज़ाम में तो तुम उसको प्रूव नहीं करोगे, पहले प्रूफ करोगे एक पेज, उसके बाद उसका सम करोगे तो तुम बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो जब अगर सम आया तो डायरेक्टली सम कर देना ये फॉर्मूला लगा के। अगर प्रूफ पूछ लिया, थ्योरम पूरा प्रूफ करने के लिए बोला, जो कि पूछते हैं हर साल बोर्ड में, तो प्रूफ कर देना। तो मैं दोनों चीज़ सिखाऊंगा, फाइन, आई विल टीच बोथ ऑफ देम। सो फर्स्ट आई राइट ऑल द फार्मूलाज एंड देन आई विल टीच द प्रूफ्स। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर बोला है देन द आंसर इज वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है? वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आई रिपीट, ये फार्मूलाज है। जैसे बोलते हैं ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर दिया होगा तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है कि नहीं? कितना हेल्प होता है? सेम चीज़ का ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है? होप समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया है तो हमको दिमाग में आता है कि हाँ सर, एक रेडीमेड फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसा ही काम है। ये आएगा तो इसका फार्मूला याद रखना है। प्रूफ आया तो प्रूफ भी करेंगे, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई टेक प्रूफ्स ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल, राइट, एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, वंस प्रूफ आई टेक, फाइन। सो थर्ड वन इज इसका भाई है, सेकेंड वाले का भाई है, उसके जैसा ही दिखता है। सिर्फ फर्क क्या है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान से देखना है, भाई बोला है बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस बोथ आर ब्रदर्स बट लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उल्टा है। और यहाँ आंसर में भी थोड़ा चेंज है, वन अपॉन टू ए तो सेम है, लॉग भी सेम है, प्लस सी भी सेम है, अंदर थोड़ा चेंज है। एक्स माइनस था, ये ए प्लस एक्स है और अपॉन में एक्स प्लस ए है, नीचे ए माइनस एक्स है, तो थोड़ा चेंज ध्यान रखना है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये एग्ज़ाम में पूछा है और मैंने ये लगा दिया, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा नहीं, हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा। चार मार्क का प्रूफ आया तो हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा, सम आया तो कुछ नहीं मिलेगा। द मीनिंग इज, जो फार्मूला पूछा है उसका आंसर देना, राइट। सपोज अब आप बोलोगे सर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पूछा है, मैं फार्मूला लिख के आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चलता है क्या? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, फाइन। तो फार्मूला याद रखना है, ठीक है। फोर्थ फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखो ये दोनों एक जैसे ही हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बट ये रूट के अंदर है, तो उसका आंसर चेंज हो गया। आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस। अब कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे, सर ये यार आप इतने फार्मूला दे रहे हो लिखने के लिए, याद कैसे करेंगे हम? पहले ही इंटीग्रेशन के याद नहीं होते फार्मूलाज, और सम्स भी टफ हैं, डेरिवेटिव में तो फार्मूला थे नहीं, इसीलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को जब कंपेयर करते हैं हम, तो सब लोग बोलेंगे, 95% लोग बोलेंगे कि इंटीग्रेशन इज टफर। वाई? 100% बोलेंगे लोग इंटीग्रेशन टफ है। डेरिवेटिव में एक ही चीज़ करना होता है, चेन रूल, 10 फार्मूला है उसके ऊपर चेन रूल लगाओ बस, और दिमाग लगाओ बस। यहाँ पे दिमाग तो लगाना है बट फार्मूला भी याद करना है, ठीक है। तो फार्मूला भी याद करना। तो आई रिपीट, ये जो मैं साथ के साथ लिख के दे रहा हूँ ये फार्मूला है, आगे और आने वाले हैं, तीन चार हैं और बड़े बड़े, वो भी ऐसा थ्योरम जैसे ही, तो याद ही करने हैं और प्लस इनका प्रूफ भी याद करना है, फाइन। नेक्स्ट वन इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज़ ये क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आंसर था? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। और नेक्स्ट वाला क्या है? फिफ्थ वन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं इसके पहले दूसरा लूँगा मैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा टफ है इसलिए बाद में लूँगा।
अच्छा अभी लिख दिया तो लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आंसर इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई रिपीट, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये उसका आंसर है, क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर क्या है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, याद रखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वॉज अंडर रूट नॉट दिस वॉज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट ओनली डिफरेंस इज इन रूट के अंदर। ए स्क्वायर इधर ले लो एक्स स्क्वायर ले लो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क क्या पड़ रहा है ये बिना रूट का है ये रूट में है। जब ऐसा होता है तो देखो आंसर में कितना फ़र्क है, वो टैन में आ रहा है और ये लॉग में आ रहा है एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। तो बहुत अलग अलग फार्मूला है, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, ठीक है, डिफरेंट फार्मूला। सिक्स्थ वन इसका भाई है, वो इसके जैसा ज़रा सा इसके जैसा दिखता है, कैसे दिखता है मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान से देखो अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी लगाना है, ये ऐसे टाइप का हुआ तो ये फार्मूला लगाना है। पर यहाँ पे देखो क्या है, अंडर रूट भी है, वन अपॉन भी है, अंडर रूट भी है, वन अपॉन है, अंडर रूट भी है, बट यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या है लॉग ऑफ थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये सब याद करना, बट हो जाएगा टाइम के साथ आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके जैसा ही है बट इसके जैसा सेम टू सेम है बट बाहर एक और एक एक्स रखा होगा। आई रिपीट, इसके जैसा ही है, देखो वन अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी वही है बट एक बाहर एक्स रखा हुआ है और एक, तो इसका आंसर देखो कितना बदल जाएगा, वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्या हुआ जब बाहर एक्स आ गया तो कितना चेंज हो गया, आंसर विल बिकम वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। फाइन, अब जो स्टूडेंट्स जो पहली बार ये सम्स देख रहे हैं सात फॉर्मूला, सभी लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम ट्वेल्थ वाले, सो रिमेंबर वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनो, डरना नहीं है, देख के थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में, सर इतने फार्मूला याद कैसे होंगे, हो जाता है। एक छोटी सी बात याद रखो, दिन में दो फार्मूला याद करने हैं, दो फार्मूला, सिर्फ दो, पूरे दिन में तीन दिन में याद हो जाएंगे, लास्ट दिन में तीन कर लो या चार दिन में हो जाएंगे। सो इफ़ यू रिमेंबर ओनली टू फार्मूलाज इन एंटायर 24 आवर्स और 12 आवर्स, फॉरगेट अबाउट स्लीपिंग टाइम, 12 आवर्स में आपको दो फार्मूला रन करना है, मतलब एक फार्मूले को पाँच पाँच छः छः घंटा दे दो, आ जाएगा सब कुछ, बहुत ईजी है। ठीक है, तो टास्क बड़ा है मालूम है बट उसको पीसेस में तोड़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा, बहुत ईजी है। फाइन, अब मैं इसका प्रूफ दूंगा, सब लोगों को प्रूफ दूंगा, कैसे प्रूफ करना है ध्यान रखो। आज हम लोग सीखेंगे इसका प्रूफ, इस सेकंड वाले का प्रूफ, थर्ड वाले का प्रूफ, फोर्थ वाले का और सेवन्थ वाले का, फिफ्थ वाले का प्रूफ और सिक्स्थ वाले का प्रूफ कल होगा, टुमारो। वाई? बिकॉज वो लोग थोड़े से हाई लेवल है, इन पांचों से बढ़ के थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, तो आज पॉसिबल नहीं क्योंकि मैंने सब बैलेंस किया टाइम वगैरह, तो अगर पॉसिबल हुआ तो फिफ्थ सिक्स भी आज ही हो जाएगा, बट अगर नहीं हुआ तो टुमारो वी विल सी फिफ्थ एंड सिक्स। सो वी विल प्रूफ टुडे 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वन 7। ठीक है, एंड प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, बहुत इंटरेस्टिंग, एक सम्स जैसा ही है इसका प्रूफ। आपको मालूम है प्रूफ दिमाग में आया तो वो लगता है थ्योरम दिमाग में आया, सर वो 10th स्टैंडर्ड के थ्योरम आ गए, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अलग चीज़ है, वो 10th स्टैंडर्ड के थ्योरम होते हैं ना जो सर्कल के, वो पाइथागोरस थ्योरम, वो सब बहुत अलग चीज़ है, वो तो बहुत बोरिंग है ज्योमेट्री, ये तो पूरा एलजेब्रा जैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये प्रूफ कम है, सम्स ज़्यादा है। फाइन, होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, सब लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो बोल दो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रूफ चालू करते हैं। फाइन, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, फाइन, वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम। आई रिपीट, ये प्रूफ है, पहला प्रूफ, सेकंड प्रूफ, ये इसका ये होगा तो इसका आंसर ये है, फॉर्मूला जैसा, ये आंसर है तो ये है, ये आंसर है तो ये, सबके आंसर। ठीक है,
फाइव. सो वी विल प्रूव दिस नंबर वन. प्रूव दिस नंबर. प्रूफ नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. ये अगर दिया होगा तो ये प्रूफ करने आना चाहिए. आई रिपीट, जब हम लोग सम्स करेंगे ना, कल हम लोग सम्स करने वाले ये सातों प्रूफ पे, दो तीन दिन तो सम चलेंगे. जब सम्स करेंगे ना तो तुम लोग को इसका एप्लीकेशन मालूम पड़ेगा. एप्लीकेशन मतलब फार्मूला में कैसे यूज़ हो रहा है, यूज़ कैसे हो रहा है. आज यूज़ नहीं मालूम पड़ेगा इसका. आई रिपीट, ये जो आज हम कर रहे हैं इसका यूज़ क्या है, सब में कैसे यूज़ करना है, वो सब कल मालूम पड़ेगा. आज हम लोग अगर ये दिया है तो ये कैसे लेके आना है उसका प्रूफ देख रहे हैं. फाइन फाइन ओके. और बोर्ड एग्ज़ाम में मैं रिपीट करता हूँ, चार मार्क के लिए आएगा. कैसे सर कैसे देंगे, बहुत सिंपल बोलेंगे, प्रूफ द फॉलोइंग दिस इक्वल टू दिस, एज सिंपल एज दैट. कंपलसरी आएगा. अगर ये हो सकता है तीन मार्क के लिए भी आए, डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर, तीन या फोर कंपलसरी, थ्री एंड फोर एनी वन इज एप्लीकेबल. फाइन. सो हाउ टू डू दिस, वेरी सिंपल. व्हाट इज गिवन, वन अपॉन अंडर रूट स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको इसके जैसा बनाना है. कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ. हम लेंगे पुट एक्स इक्वल टू, यहाँ जहाँ एक्स है या एल एच एस में, एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, ए टैन थीटा. क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा पुट कर. अब तुम लोग बोलोगे सर आपने पुट कैसे किया, आपको कैसे पता चला कि ए टैन थीटा ही लेना है. तो उसका एक छोटा सा टेक्निक है, अगर सब लोगों को मालूम है मुझे इतना बताओ, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्या होता है, किसी को मालूम है टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स को. अगर ध्यान से देखोगे तो वैसा ही लग रहा है कुछ, वन अपॉन वन वन प्लस एक्स स्क्वायर. ध्यान से देखो, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है उसका टेंशन मत लो, बट जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. व्हेनेवर यू टेक डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर. अगर किसी को डेरिवेटिव नहीं मालूम टैन इनवर्स एक्स का, तो आप तो वापस जाओ अपने घर, मतलब घर मतलब यू गो बैक टू द डेरिवेटिव चैप्टर. अगर तुमको ये नहीं मालूम है ना तो आगे जाना ही नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ. अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स नहीं आता है, जो भी वीडियो देख रहे हो, या आता है बट अभी याद नहीं है, प्लीज़ जस्ट वेट, स्टॉप द वीडियो एंड वॉच डेरिवेटिव वीडियोस, और फर्स्ट डू डेरिवेटिव, फर्स्ट रिवाइज डेरिवेटिव एंड देन कम बैक. क्योंकि अगर जिसको ये नहीं मालूम वो आगे कर ही नहीं सकता. फाइन, जो है सच बता रहा हूँ. फाइन ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स कितना है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो मैं सिखा चुका हूँ. फाइन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ ना कुछ दिख रहा है. तो ध्यान रखो, मतलब टैन से कुछ इसका रिलेशन है. देयरफॉर एक्स इक्वल टू टैन थीटा, एक्स इक्वल टू टैन थीटा, समझ में आ रहा है, टैन से उसका रिलेशन है, वैसे ही दिख रहा है, इसलिए एक्स इक्वल टू टैन थीटा. अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर ए कहाँ से आया, एक्स इक्वल टू टैन थीटा तो एकदम सही बोला आपने, टैन से रिलेशन है, बट ए कहाँ से आया. इसका जवाब भी मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, इसलिए ए लिखा. देखो ध्यान से देखो, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, वो वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट इंस्टेड ऑफ वन स्क्वायर वी आर हैविंग ए स्क्वायर, सो यहाँ पे ए लगा है. ये लॉजिक है कि याद करना है, पुट एक्स इक्वल टू टैन ए टैन थीटा. फाइन, जस्ट लॉजिक है कि एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये टैन से रिलेशन रखता है, इसलिए टैन थीटा. एंड यहाँ पे वन की वन नहीं है, यहाँ पे वन की जगह पे क्या ए है, इसलिए ए ले. अब कोई क्या बोलता है सर एक्स इक्वल टू टैन एक्स ले लूँ क्या, टैन एक्स नहीं नहीं यहाँ पे एक्स है तो इक्वल टू टैन एक्स नहीं ले सकते, टैन थीटा ही लेना है. टी भी ले सकते हैं बट सब लोग थीटा लेते हैं, सब लोग थीटा ही लेते हैं, अब भी थीटा ही लेना है, ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में थीटा इज फेवरेट, राइट. सो आई विल प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. फाइन, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर क्या आएगा मैं बता दूँ, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है. डेरिवेटिव जब लेंगे इसका तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ मैं, डी एक्स कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स
बाय डी थीटा है, वो सब मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब कोई कोई लोगों को ये थोड़ा ये और ये कन्फ्यूज़ होगा, मैं बताता हूँ। सबको ये मालूम है ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा, सबको मालूम है। बट हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये डी थीटा मैंने उधर ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको जो इंटीग्रेशन सिखाया था उसके 10-20 बार ये सब कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब डी एक्स बाई डी थीटा आएगा, डी थीटा को डायरेक्ट उधर भेज रहा हूँ। शॉर्टकट थोड़ा अप्लाई करो अभी, हाँ, क्योंकि एग्जाम में वो स्टेप दिखाना नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना। फाइन सर आ गया, अब क्या करें? अब नेक्स्ट चीज़ क्या करूँगा मैं, ये जो चीज़ है ना लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, इसको फिर से लिख लिया। क्यों लिखा है बताता हूँ मैं, क्या करूँगा जो ए है ना ए को नीचे ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू टैन थीटा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद ये थीटा यहीं रखूँगा, थीटा यहीं रखा, इक्वल टू भी यहीं रखा, ये टैन है ना उसको उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एंड एक्स बाई ए एज इट इज। क्या किया है, रिपीट क्या किया, एक्स बाई ए इक्वल टू टैन थीटा था, सबसे पहले क्या किया एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा है, ए नीचे ले लिया तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू टैन थीटा हुआ, थीटा यहीं रखा इक्वल टू ये जो टैन था उधर भेज दिया टैन इनवर्स एक्स बाई, ये वैल्यू मिला। क्यों किया मैंने, मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए। सर क्यों चाहिए, आगे मालूम पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने वाला है, आगे ज़रूरत पड़ने वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या किया बहुत सिंपल, अभी तक डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे थोड़ा सा थीटा निकाल लिया हमने, फाइन। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, कॉपी दिस सम, कॉपी फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट हेयर। हमको प्रूव इतना करना है, अभी कर दूंगा, डोंट वरी, जस्ट 5 मिनट दो, अभी प्रूव हो रहा है। ये कॉपी कर लो, तो कॉपी करोगे तो इंटीग्रेशन रहे, इंटीग्रेशन क्या है हमारा, कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, कॉपी कर लिया, ओके सर कर लिया। अब क्या करना है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, कितना बोला है मैंने लेने के लिए, एक्स इक्वल टू क्या बोला है ए टैन थीटा, एक्स क्या है ए टैन थीटा, जहाँ जहाँ एक्स है उधर ए टैन थीटा पुट करना है, तो यहाँ पुट कर दो ए टैन थीटा। बट ध्यान से देखो, लिसन वेरी केयरफुली, दैट दिस इज़ नॉट एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर, मतलब पूरे एक्स का स्क्वायर, राइट, प्लस प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, आई होप सब लोगों को समझ में आया। क्या किया, ये एक्स स्क्वायर था ना, एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना लिया है मैंने ए टैन थीटा, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिख दिया ए टैन थीटा और उसका स्क्वायर बोला है, देयरफॉर उसका स्क्वायर, प्लस साइन एज इट इज ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ले लिया, फाइन। अब आप बोलोगे सर मैजिक तो आपने फर्स्ट मैजिक दिखा दिया, व्हाट इज द सेकंड मैजिक, डी एक्स को गायब करो यहाँ से, रिमूव डी एक्स। वाई टू रिमूव डी एक्स, बिकॉज यू कैन सी पहले एक्स था इसलिए डी एक्स रखा था, बट अब देखो एक्स हटा के हमने थीटा के टर्म्स में कर दिया, तो कुछ भी करके डी एक्स हटा के थीटा के टर्म्स में आंसर लाना, सब्सटीट्यूशन हो गया ना, हमने ये सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है सर। डी एक्स निकालते हैं, क्या वैल्यू रखना है, ये डी एक्स देखो तुम्हारे सामने रखा है, डी एक्स का वैल्यू कितना है, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी एक्स का वैल्यू कैसे मिला था, डेरिवेटिव लेने पर मिला था, डी एक्स इज हाउ मच ए सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये जो डी एक्स है इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये पूरा सेकंड मैजिक, राइट, ए सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है लिख दिया सर। अब क्या करना है, दोनों मैजिक हो गए, पहला मैजिक क्या एक्स की जगह पे ए टैन थीटा रखा उसका स्क्वायर लिया, सेकंड मैजिक डी एक्स की जगह पे लिख दिया ए सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, हो गया। अब क्या करना है, बहुत सिंपल काम है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताता हूँ। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, ऊपर ऑलरेडी सॉर्टेड है, पूरा सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन ऑलरेडी लिया था, देखो ए टैन थीटा होल स्क्वायर है ना, तो इसको ये स्क्वायर को, ये दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों को दे दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। ये क्या किया मैं बताता हूँ, देखो कुछ नहीं किया, ये होल स्क्वायर था ना इसको भी दे दिया, क्योंकि दोनों का है, ए का भी स्क्वायर है टैन थीटा का भी स्क्वायर है, वही किया ए स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, कुछ किया ही नहीं अभी तक, ठीक है सर। आगे क्या करना, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ले लो कॉमन, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कॉमन लेना आना चाहिए, ले लेंगे कॉमन, नो वरीज, टेक इट कॉमन सर। व्हाट इज रिमेनिंग, वेरी सिंपल, इफ आई टेक ए स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग टैन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से भी स्क्वायर निकाल लिया, 1 बच गया,
और ऊपर वाला एज इट इज। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, अगर टेंथ पास हो सब लोग तो सबको मालूम होगा 1 + tan² θ कितना होता है, 6² θ। अगर सबने 10 दिया है तो सबको मालूम होगा 1 + tan² θ आइडेंटिटी नंबर सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 1 + tan² इज 6² a sec² θ d θ। सर ठीक है, अब क्या करना है? देखो sec square कट हो जाएगा, ये सब मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ कट करने के लिए, ठीक है कर दिया सर। a भी कट हो जाएगा किसके साथ, एक स्क्वायर के साथ। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, आंसर आ गया, बस एक मिनट ध्यान दो, आंसर आ गया। इक्वल टू 1/, सभी डिस्ट्रक्ट हो गया, सभी कैंसिल हो गया, एक sec² कैंसिल, a कैंसिल विद स्क्वायर, व्हाट इज रिमेनिंग 1/, सिर्फ a बच गया ना, तो यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं उसको बाहर लिख देता हूँ। अब तुम लोग बोलोगे सर बाहर क्यों लिखा, कॉन्स्टेंट है a, कॉन्स्टेंट को बाहर लिखना होता है, कोई रूल है क्या? रूल नहीं है, बट वो एक मेथड है करने का, सब इंटीग्रेशन का मेथड है, कांस्टेंट बाहर आता है रूल जैसा ही मान लो, ठीक है। क्या किया, सब कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर था, स्क्वायर ए के साथ कट हुआ, 1/a इज रिमेनिंग, बाहर ले लिया, ठीक है सर ले लिया, क्या बच गया, कुछ सब उड़ गया, सिर्फ d θ बच गया, ओनली d θ इज रिमेनिंग और कुछ नहीं, मतलब 1, फाइन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 d θ इज हाउ मच, मैं 100 बार बता चुका हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है, बट जब dx हो तो, बट यहाँ पे d θ है तो इसलिए आंसर क्या आएगा, θ + c। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है, क्या किया मैं, आई रिपीट डोंट वरी, 1/a एज इट इज, 1 θ का d θ का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो गया, थीटा। यार इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, x + c। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 d θ कितना होगा, θ + c, तो θ + c और 1/a बाहर था लिखते, ठीक है सर वेरी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, प्लस सी भी सही है। सर थीटा की जगह पे कुछ और लिखूं क्या, क्यों लिखना है तुमको, क्योंकि थीटा ये आर्टिफिशियल है, मैंने यहाँ पे खुद लिया है, मेरे को क्वेश्चन में कहीं थीटा दिख रहा है क्या, नहीं थीटा तो नहीं है, आंसर में कहीं थीटा है क्या, अरे थीटा का तो नाम ही नहीं है कहीं पे, थीटा लिया क्यों है फिर, इसलिए लिया हेल्प करने के लिए, तो हेल्प हो गया, रिटर्न कर दो, कर देता हूँ सर, कैसे करेंगे, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स वाई, पहले ही तुमको बताया था यूज़ होने वाला है बाद में, अरे होगा कि नहीं, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा था, यहाँ से उठा लिया था, ए को नीचे भेजा था, टैन थीटा, थीटा को ये टैन को उधर भेजा तो इन्वर्स हो गया था, थीटा का रेडीमेड वैल्यू मेरे पास कितना है, टैन इनवर्स एक्स वाई, उठा लो इधर से और कॉपी करके पेस्ट कर दो, क्या क्या था, टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये लो आंसर आ गया सर, आ गया आंसर, ये देखो यहाँ से कॉपी करके मैच कर लो इधर, प्रूफ हैंड्स प्रूफ, 4 marks सम और 3 marks सम डायरेक्टली इन बोर्ड्स एंड इन एंट्रेंस, इसके ऊपर सम आएगा और बोर्ड में भी सम भी आएगा, प्रूफ भी आएगा, इतना इजी चीज़ है, आई होप समझ में आ रहा है सब लोग, आई विल रिपीट डोंट वरी, आई विल रिपीट, एक मिनट में मैं रिपीट करूँगा वापस, सब क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, थीटा सर थीटा से चेंज क्यों किया, टैन इनवर्स करा क्यों हमने चेंज, इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में और आंसर में थीटा ही नहीं यार, मेरे को जो चीज़ चाहिए नहीं होता उसको क्या करते हैं, रिप्लेस, किससे किया, इससे किया क्योंकि इसमें एक्स है, मुझे ये चाहिए यार, लॉजिक की बात है, फाइन। सो आई जस्ट रिपीट, एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या किया, बहुत सिंपल देखो, 1/ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इक्वल टू, ये प्रूफ करना था, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना था, तो क्या किया मैंने, पहले थोड़ा वर्क ऑन किया, x इक्वल टू a tan थीटा लिया, अब इसका भी लॉजिक बता, सच बताता हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूँगा तुम लोगों को, जब मैं 12th पास हो गया ना, मेरा 12th हो गया तब मुझे, मैं तो रट्टा मारा था इसको, सर x इक्वल टू a tan थीटा लेना ऐसा कुछ दिखे तो, बट तुम लोग को मैंने रट्टा मारने से भी बचाया, कोई बड़ा काम नहीं किया, बट मेरे को लगता है कि ये टीचर ये सब बताते नहीं, ये स्टेप नहीं बताते कि एक tan थीटा लिखा क्यों है, हाँ बहुत अच्छे टीचर्स बताते हैं, सब नहीं बोलूँगा मैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं वो बताते हैं, बट मैक्सिमम टीचर्स को ये नहीं बताते, वो बोलते हैं x को a tan थीटा लेना है, अरे क्यों लेना है वो बताओ ना, मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है, एक्स को ए टैन थीटा ही क्यों लिया, ए साइन क्यों नहीं लिया, ए कॉस क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये टैन थीटा, देखो ध्यान से सुनो, ये डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 + x², देखो 1/1, इसको मन में 1 पकड़ लो, प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैसा कुछ फॉर्मेट है इसलिए टैन तो आएगा, क्योंकि फॉर्मेट ही वैसा है, और यहाँ 1 होता है बट इधर ए है तो इसलिए ए लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखो, इसका वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है,
सम से ज़्यादा वैल्यू है चीज़ का, फाइन ठीक है सर, हो गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लिया, क्यों लिया, आगे मदद होगा मेरे को, और ये भी ले लिया थीटा का वैल्यू निकाल लिया। क्यों निकाला तुमको पता है, क्योंकि अगर ये नहीं निकालोगे तो बाद में तो निकालना ही पड़ेगा, कभी भी निकालना पड़ेगा। बट व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन इट अर्लियर देन दैट, पहले ही मुझे मालूम था, तुम लोग इसको बाद में निकालो, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके सर, कर दिया, फिर क्या करना है, अरे जहाँ जहाँ एक्स था उधर ए टैन थीटा लगा दिया, यही तो बताया ना मैंने, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, फाइन। उसके बाद क्या किया, ए स्क्वायर दोनों को दे दिया, ए स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर यहाँ पे भी ले लो कॉमन, ले लिया कॉमन, फिर ए स्क्वायर बच गया टैन स्क्वायर प्लस वन। अगर टेंथ पास हो तो सबको मालूम है टैन स्क्वायर प्लस वन कितना होता है, सेक्स स्क्वायर। ये साइड मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, डी एक्स था ना, डी एक्स की जगह क्या लिखा है, ए सेक्स स्क्वायर थीटा, ये कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, चलने दो इसको, उसको तो बदलना ही नहीं, देखो चारों स्टेप चारों बार वही चीज़ लिखा है, चेंज ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बाद में कैंसिल होने वाला है, कैंसिल। तो अब कोई कोई बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम कैंसिल होगा बाद में, एक बार एक सम दस बार करना है, पाँच बार करना है, समझ में आएगा फिर, ठीक है। सब कुछ कैंसिल कर दिया, ए भी कैंसिल हो गया, इसको सर ए वन अपॉन ए बच गया, इसको बाहर ले लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट को बाहर लेते हैं, डी थीटा लिख दिया कुछ नहीं मतलब वन, और इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना होता है, थीटा प्लस सी, वन अपॉन ए बाहर था। सर क्या किया लास्ट स्टेप, थीटा का वैल्यू बताया ऊपर क्या है, टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लिख दो यहाँ पे, हैंस प्रूफ लिखना ज़रूरी है ये, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, हैंस प्रूफ लिखना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं, फाइन। जो यहाँ पे कोई कोई लोग थीटा रख के छोड़ देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमने लिया आर्टिफिशियल है, रॉ फॉर्म क्या है, एक्स में आंसर आना चाहिए। आई होप एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग दिस सम, तुम लोग का प्रूफ परफेक्ट हो गया, सबसे प्रूफ तुम लोग का परफेक्ट हो गया, बहुत फ़ायदा है इसका तुम्हारा, ठीक है। सो होप यू गॉट दिस एंड एवरी वन शुड कमेंट मी दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, राइट, एवरी वन टेल मी येस और नो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैंशन इट। अगर 50% समझ में आया तो एक बार और एक देखना है वीडियो फिर से, फाइन। एंड मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रूफ पर, आज कम से कम मेरे को पाँच या चार प्रूफ तो लेना ही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रूफ और सेकेंड फार्मूला वी कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग बोल दो येस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ओके, फाइन फाइन फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड प्रूफ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्या किया हमने, ये इसका प्रूफ था कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और डी एक्स भी होगा, तो आंसर क्या आएगा, वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, ये रूल है, प्रूफ करो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या करना है, बहुत सिंपल, एल एच एस को इसके जैसा बनाएंगे, ठीक है सर बना देंगे, नो प्रॉब्लम, बट अब क्या करें, इसको करना कैसे, सब्स्टिट्यूशन करूँ क्या, पुट समथिंग, नहीं यहाँ पे पुट नहीं चलेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर पुट क्यों नहीं चलेगा, ये क्या आप ऐसे कैसे क्यों बोल रहे हो पुट नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलेगा, इसका कारण मैं बताऊँगा पुट क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, अभी सिर्फ देखते जाओ। क्या कर रहा हूँ मैं, ये सम को कॉपी कर रहा हूँ, एल एच एस लिख लो, चाहिए तो एल एच एस लिख लो और अच्छा दिखेगा, एल एच एस ले लो, यहाँ पे पुट नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन सम, क्यों नहीं है बताऊँगा बाद में, डोंट वरी, अभी सिर्फ देखते जाओ कर कैसे दूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन है वन अपॉन, ध्यान से देखो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ध्यान से फार्मूला सब लोग को मालूम होगा, क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए क्या मालूम है ना सब लोग को, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मालूम ही होना चाहिए सबको अगर सिक्स पास हो तो, ठीक है। हाँ अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फार्मूला लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, बोलूँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एंड डी एक्स एज इट इज, ठीक है सर लिख दिया, ये सब लोग को मालूम है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लगा दिया, ठीक है लगा तो दिया, अब क्या करना है, आगे क्या करना है, तो आगे करना है थोड़ा सा जुगाड़,
ये स्टेप को जुगाड़ बोलते हैं हिंदी में, जुगाड़, एंड इन मैथ सम ट्रिक और समथिंग, इन इंग्लिश यू टेल राइट एंड ट्रिक और लॉजिक इज देयर, राइट, इन हिंदी यू कैन टेल इट एज जुगाड़, मीन्स यू नो शॉर्टकट, ट्रिक। क्या ट्रिक है सर बताओ, क्या करूँगा मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, नीचे वाले को ऐसे लिख दिया मैंने, ये जो वन है ना इसको क्या करना है, टू ए लिख देना है। क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, ये जुगाड़ है ना, स्टार मारा, मैं कभी स्टेप पे स्टार मारता हूँ क्या, जल्दी नहीं मारता, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना तो मारता हूँ स्टार। ये स्टेप जो है ना इस पर स्टार लगाया मैं, तो ध्यान से समझो, सिर्फ टू ए लिख दिया, क्यों लिखा है बताता हूँ, रुको, टू ए लिखा है। पहली बात, टू ए लिख डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है मेरा राज नहीं चलता है यहाँ पे, दिस मैथ्स राइट, आई हैव टू आंसर हिम कि भाई टू ए क्यों लिखा, इसलिए उसको मैं बैलेंस करने के लिए बाहर वन अपॉन टू ए लिखता हूँ। कुछ भी करके मुझे यहाँ पे 2a चाहिए, क्यों चाहिए नेक्स्ट स्टेप में मालूम पड़ेगा, इसलिए अगर चाहिए ना तो 2a लिखते हैं हम लोग, मैथ्स क्या बोलता है आप लिखो 2a, नो प्रॉब्लम, बट कंपलसरी 2a लिखो, नो प्रॉब्लम, मैथ्स क्या बोलता है 2a लिखो आराम से, कोई टेंशन नहीं, बट अगर 2a लिखा ना, 2a लिखा ना, कंपलसरी क्या करना है, 1 अपॉन 2a भाग लेना है। मैथ्स क्या बोलता है, अगर 2a लिखना है तो बाहर 1/2 लेना है, क्यों, क्योंकि कट होके बैलेंस होगा, मेरे क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा, इसको कट कर दूंगा तो वापस वही चीज़ मिल जाएगा ऊपर वाला, तो नो इफेक्ट क्वेश्चन, नो इफेक्ट राइट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैंसिल किया, कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो 1/2 ऐसे रखो। अब ये 2a है ना, 2a इसको मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना है क्या करने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा मैजिक करूँगा, क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैजिक, इसको मैं लिखूँगा, ध्यान से देखो, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, आई विल नॉट चेंज दिस, इसको चेंज नहीं करूँगा, असली में स्टार स्टेप ये वाला है, अगर मैं बोलूँ ना स्टार स्टेप मतलब ये वाला स्टेप है, अभी जो कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, 2a को मैं लिख रहा हूँ, 2a को मैं लिख रहा हूँ x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। लो अभी तुम लोग का दिमाग थोड़ा हिल जाएगा, सर ये क्या कर दिया, स्टार स्टेप है बॉस, देखो ज़रा स्टार स्टेप है, इंपॉर्टेंट है, जिसको ये स्टेप आ गया उसका मैथ्स आ गया, उसको इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कैसे किया है बताता हूँ, डोंट वरी, ये 2a था, इसको क्या कर दिया मैंने, ऐसा लिख दिया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। सर आपको कैसे मालूम पड़ा और क्यों किया ये, मैं बताता हूँ क्यों किया, तुमको बताया था लास्ट पिछले लेक्चर में बताया था, जो जूम पे लेक्चर लिया था उस पे बताया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना, अरे याद है कि नहीं, बोला था ना ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाना, नीचे वाले को हाथ नहीं लगाते, ऊपर वाले को चेंज करते, ध्यान से देखो, x प्लस ए x प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस, अरे बन गया कि नहीं उसके जैसा, ठीक है सर बना तो दिया, बट ज़रा इसको ओपन करके देखो, ज़रा इसको ओपन करके देखो, साइड में ओपन करके देखो, क्या x प्लस ए ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस, इसको ज़रा ओपन करो क्या होगा, ज़रा देखो, x प्लस ए ओपन कर दिया, माइनस साइन ओपन कर दिया, माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स था ना, माइनस एक्स लिख दिया, एंड ये माइनस को ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस ए हो जाता है, सबको मालूम है अभी तक राइट, एक्स प्लस ए एज इट इज लिख दिया, माइनस एक्स माइनस एक्स, और जब ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस हो जाता है प्लस ए, प्लस हो गया और ए एज इट इज़, तो हुआ क्या, ये देखो जादू, ये है कुछ नहीं मतलब प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स के साथ, एक्स था ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया सर आंसर, 2a जो मेरे पास पहले से था, तो 2 वही चीज़ है, इसको ये लिखा है ऐसा लिखा है, ये दिमाग वाली चीज़ लॉजिक, इसको ये आ गया ना, ये 2a से ये कैसे लिखना है, उसको मैथ्स आ गया, उसको इंटीग्रेशन आ गया, आई होप यू आर गेटिंग, ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये स्टेप तो 10 बार वीडियो देखना वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से बताता हूँ, 2a लिखा, एडजस्टमेंट किया, और 2a को बाद में क्या किया, ऐसा बना दिया। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, हाँ सर बना तो दिया, क्यों बनाया, अरे इसलिए बनाया क्योंकि 100 बार बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर जैसा न्यूमिनेटर बनाना है, क्यों, कैंसिल करने के लिए रे, डिनोमिनेटर को ये जो है ना नीचे वाला इसके जैसा बनाना है ऊपर वाले को, ऊपर वाला वन था ना तो उसको पहले 2a ऐड किया, फिर उसके बाद ऐसा बनाया, क्यों, क्योंकि देखो x प्लस ए इसके जैसा ऊपर आ गया, x माइनस ए जैसा ऊपर आ गया, फॉर मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, ये लॉजिक लगाना है, ये लॉजिक क्यों लगाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए, आई होप सबको समझ में आया, तो 2a को ऐसा लिखा है, तो आंसर क्यों लिखा है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद 2a ही है, कुछ नया ऐड नहीं किया, आई होप सबको समझ में, 1/2a हो गया। अब सर अब क्या करना है, बहुत सिंपल, ये जो डिनोमिनेटर है ना, मार्क दो यार दोनों में दे दो,
कल कितने सम किए हमने इसके ऊपर, याद होगा जूम के लेक्चर में परसों संडे को सैटरडे को, ये इधर भी दे दो इधर भी दे दो, दे देंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस से अलग हो गया और ये माइनस एक्स माइनस से अलग हो गया, है ना, ये डिनोमीटर इसको भी दे दो, डिनोमीटर इसको भी दे दो, बीच में माइनस साइन, ठीक है सर दे देंगे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एंड यहाँ पे भी दे दिया एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और क्या करना है होल ब्रैकेट क्या करेंगे डी एक्स, बताने का कि इंटीग्रेशन पूरे को है और डी एक्स पूरे को है, ठीक है सर कर तो दिया, बड़ी किया क्यों, ये देखो इसलिए किया, मैजिक नंबर वन मैजिक नंबर टू मैजिक नंबर वन मैजिक नंबर, यही तो चाहता था मैं, कैंसिल हो कैंसिल, ठीक है वन अपॉन टू है, क्या बच गया अंदर, जो बचा कुछ है लिख दो अंदर, व्हाट इज रिमेनिंग यू हैव टू राइट दैट, जो बच रहा है लिख दो, माइनस साइन पहले लिख दो, कुछ नहीं बचा, ऊपर सब ले लिया ना, ऊपर का वन बच गया, नीचे का ये ले लिया तो व्हाट इज रिमेनिंग एक्स माइनस ए बच गया सर, माइनस साइन एज इट इज, ऊपर कुछ नहीं बचा सर वन, नीचे का ये कट हो गया एक्स प्लस ए बच गया, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है ये तो ठीक हो गया, चलो वेरी गुड, अब क्या करना है सर नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन और ये बांट दो, दोनों को दे दो, इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है कर देते हैं, वन अपॉन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, और ये क्या कर दिया वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, दोनों को बांट दिया इंटीग्रेशन साइन विथ डी एक्स, ठीक है सर बांट दिया, बट सर ये जो वन अपॉन टू ए है ये तो इसको मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ, क्योंकि ये अलग चीज़ हो गया ना, ये तो इसके साथ जुड़ा है, तो इसलिए क्या करना है, ये ले लो जादू, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वैल्यू है इसका, ध्यान से सुनना, क्या किया जादू मैंने, वन अपॉन एक्स माइनस ए वन अपॉन एक्स प्लस ए राइट, क्या कर दिया इसको, पहले इंटीग्रेशन बांट दिया दोनों जगह, बांटने के बाद क्या किया, बांटने के बाद ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि बताना कि वन अपॉन टू इसको भी है इसको भी है ना, ठीक है सर कोई बड़ा बात नहीं है बहुत इजी, नाउ सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वन अपॉन टू एज इट इज, कभी भी देख लो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स कितना है, अरे सौ पर बताया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स कितना है, कितना होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है कि नहीं, लॉग मॉड एक्स होता है कि नहीं, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स कितना है, बड़ा ब्रैकेट कितना है, वन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस, सर एक्स माइनस ए क्यों लिखा, अरे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, लॉग एक्स है, प्लस सी छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स कितना है, लॉग एक्स है, तो सिमिलरली इसको मन में पूरे को एक्स पकड़ लो, तो आंसर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स कितना हो गया, लॉग ऑफ एक्स माइनस है, लॉग ऑफ एक्स माइनस, ठीक है सर हो गया, आगे बढ़ो फिर, माइनस साइन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ वही वापस वन अपॉन एक्स कितना हो गया, वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स, बट वो एक्स नहीं एक्स प्लस ए है, हो गया सर वेरी गुड, अब क्या करेंगे, एंड प्लस सी बाहर ले लो सर, अब क्या करना है, लॉग ए माइनस लॉग बी का नाम सुना है कभी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी रहता है ना कभी, लॉग ए माइनस लॉग बी डायरेक्ट आंसर उसका होता है लॉग ए बाय बी, लॉग ए बाय बी, अब जब मैं ट्वेल्थ इलेवेंथ में था तो हमारे कॉलेज में लैब, आई वॉज फ्रॉम नवरोजी वाड़िया कॉलेज, हमारे लैब में ये सिखाते थे, इसके ऊपर हज़ार सम कराते थे रोज़ बीस बीस सम, मतलब रोज़ मतलब हर प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री फिजिक्स प्रैक्टिकल में, आप लोग का कॉलेज का क्या हिसाब है मुझे नहीं मालूम, तुम लोग का क्या हिसाब है, बट लॉग ए माइनस लॉग बी का डायरेक्ट फार्मूला होता है लॉग ए बाई बी, उसमें कराते हैं लैब में, अगर नहीं कराया डोंट वरी, याद रखो लॉग ए माइनस लॉग बी होगा तो आंसर लॉग ए बाई बी हो जाता है, और इसी का एक भाई होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले से बता चुका हूँ इसका आंसर क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो अभी प्लस का छोड़ दो, अभी माइनस आ रहा है ना हमारे सम में, तो लॉग ए माइनस लॉग बी कितना, लॉग ए बाई बी, मन में इसको ए पकड़ लो इसको बी पकड़ लो, तो लॉग ए माइनस लॉग बी आंसर क्या आएगा, वन अपॉन टू ए इंटू, अरे बोलो ना आंसर क्या आएगा, लॉग ए बाय बी, ए बाय बी, तो लॉग ए मतलब ये पूरा वाला है ना, इसको ए पकड़ा है मन में, इसको बी पकड़ा है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हुआ, लॉग ए बाय बी, ठीक है होप सबको समझ, अब प्लस सी एज इट इज, अब आर एच एस मैच कर लो, देखो इक्वल टू आर एच एस आ गया सर, नहीं बिलीव होता देखो, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, देख लो वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, सिर्फ एक प्रॉब्लम है बड़ा ब्रैकेट आ गया एक्स्ट्रा, वो निकाल देगा नेक्स्ट स्टेप में, तुम निकाल दो, आई होप समझ में आ रहा है, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, डोंट वरी,
अब हो सकता है तुम लोग को समझ में आ रहा हो बट लिख नहीं पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पहली बार में ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है पहली बार में, डोंट वरी, टाइम है अपने पास, इसको प्रैक्टिस करना है घर में 5-5 बार, 10-10 बार, 20-20 बार, 20 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 बार किया तो भी ठीक है। हाँ, और एक बात बोलता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट घर में जाके इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा बिना देखे, फिर मुझे नहीं बोलना सर मेरे को समझ नहीं आया, मेरा मैथ्स वीक है, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता। घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। जिस स्टूडेंट ने ये सम को घर पे जाके बिना देखे, कॉपी करके तो 100 बार लिखो तो भी नहीं आएगा, कॉपी करके वालों को तो मेरे पास जगह ही नहीं है, कॉपी वालों को तो बहुत महान लोग हैं, उनको हटा दो। मैं बोल रहा हूँ बिना देखे की बात हो रही, मैथ्स में बिना देखे की बात हो रही, कॉपी करके तुम 10 बार लिख दो कुछ फ़ायदा नहीं है, बिना देखे 1 बार लिख के देखो, 2 बार लिख के देखो, 4-5 बार में तुम लोग को आ जाएगा लिखने के लिए। हाँ, अगर तुम घर पे नहीं लिखोगे फिर योर विश, ऑल दी बेस्ट, फाइन, होप सब लोगों को समझ में आया। वापस एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आता है वीडियो वापस देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल, एक बार चलो बता देता हूँ क्या किया। LHS लिख दिया, इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद क्या किया, 2a से एडजस्ट कर दिया जुगाड़, क्यों किया, बिकॉज मुझे 2a हेल्प होने वाला, इस ये चाहिए था। इसके मदद से मैंने क्या लिख दिया, ऐसा फॉर्मेट लिख दिया, आंसर 2a ही है, सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ा, बट ऐसा फॉर्मेट में लिखा। सर क्यों लिखा ऐसा फॉर्मेट, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों सेम बनाना है, क्योंकि कैंसिल करूंगा, दोनों को दे दूंगा फिर कैंसिल करूंगा, वही काम किया, डिनोमिनेटर इसको भी दे, इसको भी दे दिया, कैंसिल कर दिया, ये सब बच गया, इतना कम कम बच गया। इसके बाद क्या किया, ये इंटीग्रेशन दोनों को दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, देखो इसको भी दे दिया, इसको इंटीग्रेशन दिया तो dx भी, देखो पूरे का था dx भी बांट दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन बांटा तो dx भी बांटना है। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अरे नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, log x प्लस सी, सो 1/x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी 1/x का इंटीग्रेशन, log x प्लस सी। और सर एक फार्मूला log a माइनस log b, क्या फार्मूला log a माइनस log b का, 2 बार लॉग है तो 1 बार लिख दो और ए बाई बी कर दो। सिमिलरली लॉग ए माइनस लॉग बी है, 1 बार लिख दो, ए अपॉन बी कर दो प्लस सी, 1/2 कुछ बोल नहीं रहा, अपना दोस्त है, देखो 1/2 यहाँ से चलते आ रहा है, देखो 1/2 कुछ बोल नहीं रहा, कुछ उसको उंगली करना नहीं, ही इज़ एन्जॉइंग, डोंट वरी, डोंट टच हिम, राइट, ही इज़ फाइन। सो आई होप एवरी वन इज़ गेटिंग दिस सम, सब लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो बोल दो, आगे बढ़ते हैं। अगर येस और नो नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि सबको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फाइन। नाउ प्रूफ नंबर थर्ड प्रूफ क्या है, हम लोग आज 4 प्रूफ ही कर पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल करेंगे ना, डोंट वरी, सोचा था 5 करेंगे बट इट्स फाइन, टाइम लगता है उसको, फाइन। अब क्या करने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट चीज़ जो करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड प्रूफ, इसका भाई है वो, इसका भाई, सर कैसे भाई है बताता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा, उसको क्या करना है, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्रूफ करना है, उसका भाई है ना, देख रहे हो ना भाई है, कैसे भाई है, देखो यहाँ पे देखो क्या था, किधर गया यार, हाँ 1 किधर गया, 1 मिनट, हाँ इधर, देखो ये भाई था 1/x² माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड हिज ब्रदर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, सो वी विल डू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे, वही रूल लगाना है, वही रूल, सर कौन सा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं, होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ वही लगाना है, वही लगाना है, लगा दो फिर, कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल, LHS कितना है, इससे ये बनाना, राइट, तो LHS लिख दो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, दिस इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, 1/ एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको लिख दो a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, कैसे आया, ऊपर वाले फार्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस, फाइन सर, अब क्या करना है, 1/2a से एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, 1/2 से एडजस्टमेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टार स्टेप, कैसे करेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाला स्टेप, 1/2 ऐसे रखो, अरे 1/2 लिखना ज़रूरी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अगर यहाँ 2a चाहिए तो 1/2 लिखना ज़रूरी है, कंपल्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर को कोई टच नहीं करेगा,
डोंट टच डिनोमिनेटर। अब क्या करूँगा, ऊपर वाले को चेंज करूँगा, 2a की जगह क्या लिखने वाला हूँ, 2a की जगह लिखूँगा मैं a, a प्लस, एक मिनट क्या लिखूँगा ऊपर में, हाँ बहुत सिंपल चीज़ लिखने वाला हूँ, a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स। देखो ये स्टेप ना तुम लोग 10-10 बार करोगे ना एक बार हाथ से लिख के तो अपने आप आएगा, क्योंकि स्टार मार्क किया ना थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला स्टेप, 2a से ये कैसे जाना है मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद 2a ही मिलेगा, वो काम मैं कर दूँगा, बट वो आया कैसे ना तुम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना, प्रूफ करके दिखाता हूँ। ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस एक्स ओपन कर दिया, प्लस ओपन कर दिया a प्लस एक्स, प्लस था इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, सर कर दिया आप क्या, देखो माइनस एक्स एक्स कैंसिल, वापस 2a ही बचेगा, बट ये 2a से ये कैसे आया ना वो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो टाइम लगता है उसको, ठीक है प्रैक्टिस करो। फाइन, सो 1/2a एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, सर आ गया क्या, क्या बच गया, क्या बच गया, 2a को लिख दिया a प्लस एक्स ऊपर आ गया, आप क्या करना सर नेक्स्ट स्टेप, दिनों इसको भी दे दो इसको भी दे दो। देखो हमारा मेन मोटिव हो गया, हमारा हम चाहते क्या थे, 2a ना पहले 1 था फिर 2a बनाया, फिर उसको क्या किया a माइनस एक्स और a प्लस एक्स बनाया, क्यों बनाया, बिकॉज मुझे मालूम है क्यों बनाया मैंने, क्योंकि नीचे जैसा बनाना है, डिनोमिनेटर में जो है ना उसको ऊपर वैसा ही बनाना है। देखो नीचे a माइनस एक्स था ऊपर भी a माइनस एक्स बना, नीचे a प्लस एक्स था ऊपर भी a प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर दो दोनों को, फाइन कर देंगे, तो बड़ा ब्रैकेट बना दो, dx बना दो, अलग अलग कर दो, कैसे करेंगे सर, बीच में साइन क्या है, प्लस है, अगर तुमको याद होगा पिछले वाले साइन में माइनस था, इसमें क्या है प्लस, नो प्रॉब्लम प्लस प्लस लिख दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इधर भी दे दिया इधर भी दे दिया, तो a माइनस एक्स अपॉन पूरा डिनोमिनेटर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, पिछले वाले से हम जैसे ही है, ये क्या है अपॉन a प्लस एक्स एंड दिस इज a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, व्हाट इज द स्टेप आई डिड, आई डिस्ट्रीब्यूटेड दिस एंड दिस, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन किया सर, उसके बाद क्या a माइनस एक्स कैंसिल, a माइनस एक्स सर a प्लस एक्स प्लस कैंसिल, आई होप एवरीवन इज गेटिंग राइट, बिकॉज ऑफ दिस कैंसिलेशन ओनली आई डिड द सम राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, 1/2a एंड यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, कुछ नहीं, देखो ना ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, नीचे क्या बच गया, a कट हो गया, a प्लस एक्स बच गया है ना, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया और ये कैंसिल हो गया, a प्लस एक्स बच गया, नीचे प्लस साइन एज इट इज़ एंड a प्लस एक्स कुछ नहीं, ऊपर 1 बच गया, कैंसिल हो गया, व्हाट इज़ रिमेनिंग, a माइनस एक्स, ब्रैकेट लगा दो, अच्छा दिखता है, दैट्स इट सर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, 1/2a एज इट इज़, आई नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ कितना होता है, 1/x, बताया थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है, अरे बताया थोड़ी देर पहले, log मॉड छोड़ दो, log x प्लस सी राइट, मॉड अगर मॉड तो लिखना ही है, बट बोलते वक्त log x बोला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, तो log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस सी, फाइन, सो सिमिलरली log 1/x राइट, सो इट विल बिकम log ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस साइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ, आई होप सबको चेन रूल पता है, चेन रूल मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ, डोंट वरी मैं आता हूँ, 1/x कितना होता है, log ऑफ a माइनस एक्स, आई होप यहाँ तो समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, log x प्लस सी, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना है, log x प्लस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना है, log x राइट, इतना डन हो गया। अब एक बात ध्यान से देखो, पिछले वाले सम में द सम विच वी डिड अर्लियर राइट, एक चेन रूल करके कंसर्ट होता है, याद है चेन रूल सबको मालूम है, देखो ये log 1/x का इंटीग्रेशन तो log x है राइट, बट चेन रूल लगाना हम भूल गए, क्या चेन रूल क्या होता है, इनका डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन है ना, 1/x का, पर क्या ये x था क्या, नहीं, जानबूझ के मैंने तुमको बताया नहीं पिछले सम, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन के लिए जानबूझ के बताया नहीं, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, बट क्या ये x है पूछना है, इज इट x, नो, सो अप्लाई चेन रूल, ठीक है सर लगाते हैं, तो चेन रूल माइनस a का चेन रूल कितना हुआ, 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1, तो नीचे लिखना है अपॉन 1, कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, आई होप समझ में आ रहा है, और यहाँ पर क्या किया, 1/x के इंटीग्रेशन log x है, तो 1/x का log x तो लगा दिया, बट क्या ये x है क्या, नहीं, दिस इज x प्लस है,
तो लॉग एक्स नहीं है, वो एक्स प्लस ए है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर में लगाना है। आई होप सबको चेन रूल मालूम है, डेरिवेटिव में चेन रूल मल्टीप्लाई में लेते हैं, बट इंटीग्रेशन इसलिए चेन रूल नीचे लेते हैं, बता चुका हूँ मैं। तो क्या होगा, ए का डेरिवेटिव कितना है, ज़ीरो, लिखने की ज़रूरत नहीं, एंड प्लस एज इट इज़। और एक्स का डेरिवेटिव कितना है, वन। तो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब तुम बोलोगे सर आपने तो चेन रूल नहीं निकाला, तो भी आंसर आ गया। हाँ, फिर भी याद रखो चेन रूल लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे देखो, वहाँ पे कोई वरी नहीं चेन रूल का, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। सर कैसे पड़ेगा, देखो मैजिक दिखाता हूँ। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, लॉग एक्स। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन इज़ लॉग एक्स, बट यहाँ पे देखो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स तो ले लिया, बट मन ने पूछो ये एक्स है क्या, नहीं सर एक्स नहीं, इसका चेन रूल लेना पड़ेगा नीचे, क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो ए का डेरिवेटिव ज़ीरो छोड़ दो, प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव कितना है, वन लिख दिया सर। ओके सर यहाँ पे भी फ़र्क नहीं पड़ा, डोंट वरी, रुको रुको, यहाँ पे पड़ेगा सर। कैसे बताता हूँ, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है सर, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, अरे साइन ही भूल गया इंटीग्रेशन देना। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, वन अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग एक्स, सर लिख दिया, बट चेन रूल के हिसाब से ये एक्स नहीं है। वॉट इज़ दिस, ए माइनस एक्स, तो टेक इट्स डेरीवेटिव एंड नीचे लिख दो उसका, क्योंकि इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, राइट। सर डेरिवेटिव ऑफ ए कितना है, कांस्टेंट जीरो छोड़ दो। सर डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स कितना है, माइनस वन। ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे पिछले सम में दोनों में वन वन आया, इसमें एक जगह माइनस वन आया। सर क्या होगा माइनस वन आया तो, इसको कैंसिल कर देगा और नया माइनस इधर जुड़ जाएगा। आई होप दिस इज़ अ स्टार स्टेप, रिमेंबर इसको, ध्यान से देखना है, चेन रूल लगाना है। अब आप कोई को सोचेगा सर पिछले सम में क्यों नहीं बताया, जान मुझ के नहीं बताया, डोंट वरी, क्यों नहीं बताया, क्योंकि तब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तुम, ठीक है। तो होप समझ में आया, वन अपॉन टू ए, सो आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस कैंसिल कर दो, उसकी जगह माइनस लिख दो, तो लॉग ए प्लस एक्स, ये प्लस कैंसिल कर दिया, माइनस लिख दिया, फाइन। सर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, लॉग ए माइनस लॉग बी। आई रिपीट, ये पहले प्लस था, तुम बोलोगे सर माइनस कैसे है, क्योंकि चेन रूल लिया तो ये माइनस एक्स का चेन रूल माइनस वन आया, तो ये माइनस इधर फिट हो गया, माइनस और प्लस माइनस आ जाता। लॉग ए माइनस लॉग बी, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी, आई होप सब लोग को मालूम है, अभी बताया क्या है, लॉग ए अपॉन लॉग बी, है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, व्हाट इज़ द आंसर, लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग ए क्या था, ए प्लस एक्स, लॉग बी क्या है, ए ए माइनस एक्स, ये गलती से लिखा है, ए माइनस एक्स, फाइन, एंड प्लस सी एज इट इज इक्वल टू आर एच एस, यू कैन मैच इट आउट, आर एच एस से देख लो। सिर्फ फ़र्क क्या हो गया, एक फ़र्क हो गया, हम लोग ने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लिया, वो तुम रिमूव कर दो नेक्स्ट स्टेप में, डोंट मैटर, डजेंट मैटर, फाइन, डोंट वरी। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट, सबको समझ में आ रहा है, फाइन, होप इट इज़ क्लियर, राइट। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम बचा, एक सम और एक ले लेते, फट से जल्दी से मैं एक सम और एक ले लेता, थोड़ा सा 5 मिनट एक्सटेंड हो सकता है, बट डोंट वरी, कंप्लीट हो जाएगा, ये तो कल भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम 5 मिनट रुक जाओ, वी विल टेक नेक्स्ट, वेरी इजी वन, मैं बहुत इजी वाला ले रहा हूँ, फोर्थ वाला बहुत इजी है, ध्यान से देखो क्या है, ये देखो बहुत इजी है, फोर्थ वाला, फोर्थ सम इज़ वेरी इजी, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हाउ मच, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, दिस इज़ वेरी सिंपल, ये वाला मैं ले रहा हूँ। आई नो टाइम इज ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट, बट वी विल एक्सटेंड फॉर 5 मिनट्स एंड वील कम्प्लीट दिस सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, बिकॉज लिंक लगाए तो मैं सोच रहा हूँ चारों ले लूँगा, ठीक है, फाइन। सो वॉट इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आंसर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो पुट एक्स इक्वल टू, वी हैव टू पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। आप बोलोगे सर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों लिया, आप लोग का क्वेश्चन होगा। देखो उसका कारण है, मैंने ए क्यों, देखो यहाँ पे तो साइन में आंसर चाहिए, तो आपको साइन लेना पड़ेगा, लॉजिक की बात है। और ए साथ में क्यों लगाया, क्योंकि देखो ए है। और एक उसका टेक्निक है, सबको मालूम होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, अरे सबको पता है कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए देखो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर,
है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है इसलिए साइन लिया। एंड बट सर तुम लोग सर एक हाँ से आया क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर होता है, बट यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे ए लिखा। जैसा फर्स्ट सम में देखा था ना वैसा ही लॉजिक है। ठीक है सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो व्हाट इज द आंसर? एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा, बिकॉज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स नहीं थीटा, इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एंड डेरीवेटिव ऑफ साइन थीटा इज, डेरीवेटिव ऑफ साइन थीटा इज, आई होप एवरी वन नोज व्हाट इज द डेरीवेटिव ऑफ साइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा, है ना। डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज डी एक्स बाई डी टी एंड ए एज इट इज, डेरीवेटिव साइन थीटा इज कॉस थीटा। फाइन सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, डी एक्स को इधर रखो, ए कॉस थीटा, एवरीथिंग सेम, फिर वे डी थीटा को इधर जम्प करा दो, डी थीटा। ठीक है सर, वेरी गुड, यू गॉट वेरी गुड, वेरी, यू गॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? वेरी सिंपल, मेक अ लाइन एंड कॉपी दिस, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा को कॉपी कर, कर लिया सर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? बहुत सिंपल स्टेप है, ये ए को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? ये साइन है ना, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर आपको ध्यान हो तो ये फर्स्ट सम जैसा ही है। इफ़ यू नो, इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ लाइक फर्स्ट सम। अगर सबको ध्यान है तो ये फर्स्ट सम जैसा ही है। सिर्फ फर्स्ट सम में क्या था? यहाँ पे टैन में था, टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड वन अपॉन था बाहर, ये साइन में चीज़ें वही करनी है, लॉजिक इज सेम। सो व्हाट आई डिड? वेरी सिंपल, एक्स को एट साइन थीटा लिया, क्यों लिया तुम लोगों को बताया, राइट? डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या मिल गया? डेरिवेटिव मिल गया, ए कॉस थीटा इनटू डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, और ये डी थीटा ऊपर ले लिया। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये जो था ना एक्स इक्वल टू साइन थीटा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ये एक्स एज इट इज लिखा, ये ए को नीचे ले आया मैं, तो एक्स अपॉन ए हो गया इक्वल टू साइन थीटा, ये ए को नीचे लाया एक्स अपॉन ए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये थीटा एज इट इज लिख दिया, थीटे को एज इट इज लिख दिया एंड साइन उधर ले गया, तो क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों लेके गया मैं थीटा, क्यों निकाला मैंने? क्योंकि आगे काम आने वाला है, कंपलसरी आगे काम है थीटा। ठीक है सर, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई वॉन्ट टू शो टू मैजिक्स, राइट? सो फर्स्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर, कॉपी द क्वेश्चन एंड पेस्ट इट, ये इंटीग्रेशन था हमारे पास, कॉपी कर लो पेस्ट कर लो। सो इंटीग्रेशन विल बिकम वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। रिपीट क्या किया? कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी, कॉपी एंड पेस्ट। देन यू विल आस्क सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बहुत सिंपल है, वन अपॉन क्या था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, दो मैजिक देखना है हमको, टू मैजिक्स। सर व्हाट आर द मैजिक्स? वेरी सिंपल, एक्स को क्या पकड़ा है? ए साइन थीटा। ध्यान से देखो, एक्स को क्या पकड़ा है? ए साइन थीटा। जहाँ जहाँ एक्स है, देखो ए स्क्वायर है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस साइन एज इट इज़, एक्स का स्क्वायर, राइट? व्हाट इज एक्स? ए साइन थीटा। सो इट विल बिकम ए साइन थीटा होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज ए स्क्वायर एज इट इज़ कॉन्स्टेंट माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स? ए साइन थीटा। सो ए साइन थीटा होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज दिस इज एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर। सो एक्स का स्क्वायर, राइट? एंड मैजिक नंबर वन, व्हाट इज मैजिक नंबर टू? डी एक्स, डी एक्स। व्हाट इज इंस्टेड ऑफ डी एक्स? राइट, ए इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। व्हाट इज द मैजिक नंबर टू? ये जो डी एक्स है ना, डी एक्स, इसको हटा दो और डी एक्स की जगह क्या लिख दो? ए कॉस थीटा डी थीटा। डी एक्स की जगह लिख दिया ए कॉस थीटा। सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बहुत सिंपल है, इसको टच नहीं करना है, वो ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है, और ए कॉस थीटा और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये होगा, ये ऐसे होगा, अभी पता चलेगा। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? ए स्क्वायर को एज इट इज लिखो, माइनस साइन एज इट इज, ये होल स्क्वायर, राइट? दिस इज होल स्क्वायर, मतलब ए का भी स्क्वायर है, साइन थीटा का भी स्क्वायर है, ये ए का भी स्क्वायर है, साइन थीटा का। तो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई रिपीट, ये ए साइन थीटा होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर, तो इसको ए का स्क्वायर लिख दिया एंड साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसको नो चेंज इन न्यूमरेटर, नो चेंज हेयर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वन अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टेक ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर टेक ए स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग? ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो वन बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला एज इट इज। क्या किया यहाँ पे मैंने? ए स्क्वायर यहाँ पे भी था, ए स्क्वायर इधर भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? कुछ नहीं, मतलब वन, माइनस एज इट इज़, एंड ये निकाल दिया ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। सर व्हाट इज द लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप? ए स्क्वायर एज इट इज़,
एंड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर एज इट इज. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन इन टुमारोज लेक्चर, डोंट वरी. तो फाइनली वन अपॉन क्या हुआ, एक वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर होता है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर एज इट इज एंड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर वन. नो प्रॉब्लम सर, देखो रूट से ये बाहर निकाल दूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए बाहर आ गया, रूट इज कैंसल्ड. ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये जो पूरा रूट था ना कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, ए कॉस थीटा और ऊपर वाला एज इट इज. हो गया, आंसर आ गया. क्या किया मैंने, ये ए स्क्वायर ये जो रूट से निकाल दिया, ये रूट कैंसिल किया, ये भी स्क्वायर से कैंसिल किया, क्या बच गया, ए कॉस थीटा. सर अब क्या हो गया, सब कट हो जाएगा, देखो ए भी कैंसिल, कॉस स्क्वायर भी कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा. चल व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, दैट इज थीटा प्लस सी. आई होप सबको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ नथिंग मीन्स वन, राइट, तो थीटा प्लस सी. बट सर व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए. थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, वो सब लिख दो, ठीक है. थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन. आई होप सबको समझ में आया, होप यू एन्जॉयड. आई विल टीच दिस टुमारो अगेन, डोंट वरी, फाइन, कल फिर से सिखा दूंगा मैं. बाय बाय, टेक केयर.